नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। लखनऊ यहियागंज में दुकानदारों को बांटे गए मास्क। लखनऊ से अनुराग कश्यप की रिपोर्ट। मेटल मर्चेंट एसोसिएशन लखनऊ की ओर से बांटे गए मास्क। मोहम्मद सिहरान युवा अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में मास्क बांटने के साथ साथ दुकानदारों से अपील की, जब दुकान पर कस्टमर आए तो पहले सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कराएं, उसके बाद प्रवेश करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की भी अपील की। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं हरीश चंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष लखनऊ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन। ये आज किस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, और अभी सैनिटाइज दुकानें खुली हैं तो किस तरह से मार्केट खुलने के आदेश दिए गए हैं, किस तरह से आप लोग मार्केट को सैनिटाइज करा के खुलवाएंगे या ऐसे ही खुलवाएंगे? मार्केट खोलने का जब से सरकार ने आदेश दिया है, हम लोगों ने पहले पूरे बाजार को एक तरफ से सैनिटाइज करवाया है और पूरी झाड़ू और साफ सफाई करवाई है और चूना डलवाया है। उसके बाद दुकानों को खोल करके सारी दुकानों को सैनिटाइज किया गया, और उसके बाद हमने अपने बाजार के दुकानदारों को ये निर्देश दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर चढ़ेगा उसका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। अगर वो मास्क नहीं लगाए होगा तो दुकानदार उसको मास्क अपनी तरफ से उपलब्ध कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और किसी भी प्रकार से हम लोग कोरोना से लड़ाई में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार में ना तो भीड़ लगने पाए, ना ही अपनी दुकानों का कूड़ा हम सड़क पर डाल रहे हैं। अपने कूड़े को दुकान पर निकले हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग सीधे कूड़े घर में फेंकवा रहे हैं, और पूरा बाजार इसका नियमित पालन कर रहा है पूरे अनुशासन के साथ। और आगे मुझे आशा है कि हमारे बर्तन बाज़ार और बाकी ट्रेड के लोग, सारे लोग जो यहाँ पर हैं, ये पूरी तरह इसका अनुपालन करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। अभी आप लोग मास्क भी बांटेंगे आप यहाँ पर व्यापारियों को या दुकानदारों को, या फिर जो आ रहे हैं उनको? नहीं, हमारे बाजार में कुछ दुकानदारों ने, हमारे जैसे सिरेन भाई हैं, इन्होंने एक योजना बनाई है कि बाजार के दुकानदारों को, पल्लेदारों को, कर्मचारियों को, जो मास्क जिनके पास नहीं है उन सबको मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे बाज़ार में कुछ उत्साही युवकों ने यहाँ पर इसका भी इंतजाम कर रखा है कि उन्होंने सैनिटाइज़र और जो वो सैनिटाइज़ करने के लिए होता है लिक्विड, वो भी मंगा के रखा हुआ है। किसी दुकानदार को आवश्यकता होती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो लोग उन दुकानदारों को उपलब्ध भी करा रहे हैं। तमाम प्रकार के ऑपरेटर्स, जैसे पैर से सैनिटाइज करने की मशीन हो, थर्मामीटर हो, इस तरीके की चीज़ें भी इन बच्चों ने मंगा के रख ली हैं अपनी दुकानों पर, और नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर दुकानदारों को उपलब्ध करा रहे हैं और सभी दुकानदारों को जागरूक कर रहे हैं इस विषय में। और हमें आशा है कि हमारे बाज़ार के सारे दुकानदार इस तरीके का पालन करते हुए कोरोना के युद्ध से पूरी तरह जीत के निकल के आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। एक दुकान के ऊपर एक कस्टमर आता है, दूसरे कस्टमर को हम लोग बाहर रोके रहते हैं। जब एक कस्टमर लेके सामान चला जाता है तभी दूसरे दुकानदार कस्टमर को हम प्रवेश